जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एक बार उनको बैठ के पूरी रणनीति, पूरी योजना, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के हों, नॉन पीएम पैकेज में हों, या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे भाई बहन यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ जो सर्विसेज के दौरान किस प्रकार की योजना और पॉलिसी हो, उस पर एक बार गहन चिंतन मंथन करके उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना जो है वो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा। एक बार बैठ के इस पर रणनीति बनानी होगी और उसके बाद उस रणनीति को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। गरीब, मजदूर, मजलूम, अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं, छोटे छोटे बच्चे, गरीब मजदूर जो मजदूरी करता था दिहाड़ी लगाकर, जो अनाथ था, जिसके माता पिता नहीं थे, और यहाँ कश्मीर में पिछले 50 सालों से वो यहाँ रह रहा था। पाकिस्तान के दहशतगर्द सोचते होंगे कि एक मजलूम मजदूर को मार के उन्होंने बहादुरी की है, उन्होंने गुनाह किया है, गुनाह। महबूबा मुफ्ती, सवाल आप पे खड़ा कर रही है कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों को एज वेपन, एज पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रही है, फिल्में बना रही है, लेकिन उनको सुरक्षा देने में नाकाम है। देखिए, मैं यहाँ अफसोस करने आया हूँ, संजय शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित पुलवामा में मारे गए उनके घर में, मैं इस समय कोई सियासी तनकीद किसी पर नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही कहता हूँ, चाहे वो सियासी जमातों के बड़े लोग हों, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों, अल्ताफ बुखारी साहब हों, सजाद लोन साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई बीजेपी वाला है या कोई किसी दूसरी सियासी जमात वाला है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है या डोगरा है या गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है। गोली इंसान को लगती है और फिर ज़मीन खून से लथपथ होती है, की गई है। उनको जितना भी सहयोग होगा एलजी प्रशासन की ओर से होगा। मेरी सुबह ही माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कल से ही सब लोग इधर हैं। जितना सहयोग हमसे हो पाएगा, प्रशासन से हो पाएगा, वो करेंगे। मैंने यहाँ एक बात देखी, मैं यहाँ के पुलवामा के रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में आज अंतिम संस्कार में भी यहाँ वो शामिल हुए, और कल से ही संजय शर्मा साहब जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी फैमिली के साथ तमाम यहाँ के आस पड़ोस के कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन उनके साथ यहाँ खड़े हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, ताज़ियत में इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये इंसानियत की एक पहचान है, ये कश्मीरियत की वो पहचान है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। लेकिन कुछ